फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड। मतलब कि देखिए, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं लोग कि किस तरीके से है ना हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको यदि आपने नहीं देखा है तो आप इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यही पार्ट बहुत बच्चों को नहीं समझना है ना। अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पहला हमारे पास जो एसिड को प्रिपेयर करने का तरीका है वो है एसिड्स फ्रॉम नॉन मेटल्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे नॉन मेटल से एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय डायरेक्ट सिंथेसिस मेथड, ठीक है ना, या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड भी बोल सकते हैं। इस मेथड से हम लोग एसिड को प्रिपेयर करेंगे। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, जरा एक दो रिएक्शन में करके दिखाता हूं। देखिए क्या होता है, जब कभी भी हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया जाता है नॉन मेटल से, तो उस कंडीशन में ये नॉन मेटल से रिएक्शन करके एसिड्स बना देते हैं। आदि भाषा में जैसे कि एसिड बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन कर लिया है ना किसी नॉन मेटल क्लोरीन से, रिएक्शन करके पता है क्या बना देगा, 2HCl। तो आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसके साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन करके क्या बना दिया, HCl बना दिया। तो ये एसिड है कि नहीं, ये एक एसिड है। ये कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। इस तरीके से एक दूसरे नॉन मेटल का एग्जांपल लेता हूं, ये तो एक नॉन मेटल का एग्जांपल होगा, दूसरा नॉन मेटल का एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन, ये रिएक्शन कर लिया किसके साथ, I2 के साथ। I2 मतलब आयोडीन है ना, I2 मतलब आयोडीन। अब आयोडीन यानी कह रहा हूं आयोडीन एक नॉन मेटल होता है, जब इससे रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन में बना लेगा 2HI, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक एसिड है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, या हाइड्रो आयोडिक एसिड भी बोला, ठीक है। तो ये हो, अब देखिए ये तो पहला मेथड हो गया एसिड प्रिपेयर करने का, कि आप क्या करिए, डायरेक्ट हाइड्रोजन को नॉन मेटल से रिएक्शन कराइए, आपको एसिड मिलना है। अरे बात सुनो, हाइड्रोजन को क्या करिए, डायरेक्ट नॉन मेटल से रिएक्शन कराइए, आपको एसिड प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट आ जाते हैं लोग, दूसरा मेथड क्या हो जाता है। तो दूसरा मेथड हमारे पास एसिड प्रिपेयर करने का है कि एसिड को उसके एसिडिक ऑक्साइड से, अब देखिए इसको इसको समझने के लिए मैं चले लिख देता हूं, एसिड्स फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड्स। अब ये एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो भाई एसिडिक ऑक्साइड पहले आप समझ लीजिए, एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स, सॉरी एसिडिक ऑक्साइड, चलो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ना उन्हें को एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर नेस्ट एसिडिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब जैसे मान लीजिए कुछ नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बन जाते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बना लेते हैं। अरे बात सुनिए, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे बनता है ना, चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं। अगर एग्जांपल मुझे देना हो, जैसे CO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, SO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, SO3 नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना, P2O5 नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना। इसी तरीके से और भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, जैसे CO नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, NO नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ETC, ठीक है ना, ये सब के सब नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं। अरे बस अब सुनिए, ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड आप देख रहे हैं,
ठीक है ना, ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड आप देख रहे हो, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। देखिए सभी नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के नहीं होते, सिर्फ कुछ ही नॉन मेटालिक ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं। हरी बात सुन, ये ऐसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड है जो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हम मैं लिख दे रहा हूं कि दीस नॉन मेटालिक्स, दिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। और ये ऐसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक नेचर के नहीं होते। दीस नॉन मेटालिक, दिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड, दिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल इन नेचर। ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं, मतलब इनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है ना। देखिए तो अब हम बात कर रहे थे कि एसिड को हम प्रिपेयर करने वाले थे कहां से, एसिडिक ऑक्साइड से। इसका मतलब एसिड सिर्फ कहां से बना पाएंगे, सिर्फ यहीं से एसिड बन पाएंगे, ये एसिड नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं, फॉर्म्स फॉर्म्स एसिड डज नॉट फॉर्म्स एसिड, ये एसिड नहीं बनाते हैं, डज नॉट फॉर्म एसिड्स। आई बात में क्लियर होगी बात, ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां इसको मार्क कर देता हूं, फॉर्म्स एसिड डज नॉट फॉर्म्स एसिड। आई बात में फॉर्म्स एसिड डज नॉट फॉर्म्स एसिड, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कैसे बनाएंगे फॉर्मेशन, फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एसिडिक जो ऑक्साइड होते हैं, जो भी हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स है वो क्या करता है, वाटर से रिएक्शन करता है, और वाटर से रिएक्शन करने पर क्या बना देता है, एसिड बना देता है, ठीक है ना। तो अब ये बताइए, ये तो मैंने कहा कि एसिडिक ऑक्साइड से कैसे एसिड बनेगा, तो एसिडिक ऑक्साइड को हम वाटर से रिएक्शन करा देंगे तो एसिड बन जाए। एक दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, अगर इसको H2O से रिएक्शन करा दें, ये रिएक्शन करने पे क्या बना लेगा, H2CO3, H2CO3, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड, क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। आई बात सुन, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, SO2 भी क्या होता है, एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, तो इस एसिडिक ऑक्साइड को अगर वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना देगा, H2SO3, इसे बोलते हैं, है ना, फॉस्फोरस एसिड, सॉरी सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड। अरे बात सुन, इस तरीके से एक और एग्जाम्पल लीजिए, SO3 भी क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं बच्चा, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही और भी हमारे पास है, जैसे कि चौथा, चौथा चीज देखिए क्या है, चौथा हमारे पास है P2O5, P2O5 भी क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, इसको भी क्या करेंगे, अगर वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये बना लेगा S3PO, क्या बना लेगा, S3PO4, इसे बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। आई बात समझ, तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि एसिडिक ऑक्साइड से वाटर का जब रिएक्शन कराया जा रहा है तो एसिड बन जा रहा है, तो ये एक दूसरा तरीका है एसिड को बनाने में। आगे बात समझ में, अच्छा इसमें एक पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं कि जो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं वो कभी भी एसिड नहीं बनाते हैं वाटर से रिएक्शन में। तो मैं लिख देता हूं नोट, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स लाइक CO, NO एक्सेट्रा डज नॉट फॉर्म्स एसिड, फॉर्म्स एसिड ऑन रिएक्टिंग विथ ऑन
रिएक्टिंग विथ वाटर। ठीक है ना, ये पॉइंट नोट करने वाली है, ठीक है ना, आपको याद रखना है, क्योंकि वो एसिडिक नेचर के होते नहीं है, एसिड कैसे बनाएंगे। अब हम लोग का तीसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है, तीसरा केस हम लोग आ जाता है फ्रॉम सॉल्ट। ठीक है, तीसरा केस हमारे पास आ जाता है एसिड्स फ्रॉम सॉल्ट। एसिड्स फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट से अब हम क्या कर सकते हैं, एसिड बना सकते हैं। अब कैसे हम सॉल्ट से एसिड बनाएंगे, तो देखो ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो नॉन वोलेटाइल एसिड होते हैं, जब उन्हें सॉल्ट के साथ, है ना, ऐसे सॉल्ट जो ज्यादा क्या बोलते हैं, जो कोई भी नॉर्मल सॉल्ट के साथ जब रिएक्शन करा दिया जाता है, तो उस कंडीशन में वो वोलेटाइल एसिड बना देते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, जरा समझेगा, कि नॉन वोलेटाइल, जानते हैं वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपराइज हो जाए, आसानी से लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए रूम टेम्परेचर पे, उसे बोलते हैं वोलेटाइल। ठीक ना, नॉन वोलेटाइल एसिड्स, है ना, एसिड्स ऑन हीटिंग विथ विथ सॉल्ट्स सॉल्ट्स ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड एसिड, है ना, डिस्प्लेसेस द वोलेटाइल एसिड एसिड डिस्प्लेसेस द वोलेटाइल एसिड। यानी जब हम लोग क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल एसिड से रिएक्शन करवाते हैं सॉल्ट का, तो सॉल्ट पता है क्या करता है, ये नॉन वोलेटाइल एसिड मोर वोलेटाइल को वहां से डिस्प्लेस कर देता है, मोर वोलेटाइल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और उस कंडीशन में एक नया एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जो कि क्या होता है, वोलेटाइल एसिड होता है। मतलब डिस्प्लेस द वोलेटाइल एसिड मतलब वोलेटाइल एसिड बना देता है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपके लिए और आसान हो जाएगा, है ना, मोर वोलेटाइल एसिड लिखा, नॉन वोलेटाइल एसिड ऑन हीटिंग with a salt of more volatile acid produces more volatile acid technique produces volatile acid लिख सकते हैं, है ना, produces volatile acid। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है, जैसे क्या होता है, जब normal salt है ना reaction करता है किसके साथ, अब मोर वोलेटाइल जो एसिड होता है, एक तरीके से वोलेटाइल एसिड की बात करें, सॉरी नॉन वोलेटाइल एसिड की बात करें, तो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो नॉन वोलेटाइल एसिड होता है, नॉन वोलेटाइल एसिड होता है, कौन सा एसिड, कंसंट्रेटेड वाला नॉन वोलेटाइल एसिड होता है। जब ये सॉल्ट से, नॉर्मल सॉल्ट से रिएक्शन करता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, है ना, वोलेटाइल एसिड बना लेता है, वोलेटाइल एसिड बना देता है। एग्जाम्पल देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए KNO3, ये क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है, जब ये H2SO4 से रिएक्शन करा के इसे हीट कर दिया जाता है, इसे हीट किया जाता है लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। जब लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस हीट किया जाता है, तो KHSO4 एक सॉल्ट बनाता है, ठीक है, यह एक सॉल्ट है, ठीक है, और क्या बनाता है, HNO3 बनाता है, जो कि वोलेटाइल एसिड, क्या है, वोलेटाइल एसिड है, ठीक है। और ये जो सॉल्ट है वो कैसा है, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट है, क्या आपको याद, क्लियर होगी बात। तो ये जो नॉर्मल सॉल्ट है, ये रिएक्शन किया है एसिड से, जो कि नॉन वोलेटाइल एसिड है, नॉन वोलेटाइल एसिड है, रिएक्शन करके क्या बना दिया, वोलेटाइल एसिड बना दिया, ठीक है ना। तो एसिड बन रहा है ना, हम ये देख रहे हैं कि एसिड बन कैसे रहा है। अब नॉन वोलेटाइल एसिड से वोलेटाइल एसिड में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नॉन वोलेटाइल एसिड को आप वोलेटाइल एसिड में कैसे कन्वर्ट करते, तो आप ये तरीका लगा सकते, आप ये तरीका लगा सकते। आगे बात सुनिए, कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ताकि आपको, अगर एक एग्जाम्पल भूल जाए तो आपको दूसरा एग्जाम्पल याद रहे। ये भी नॉर्मल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, ये हम यूज करते हैं ना घर में खाने पीने के लिए, वही सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट क्या करता है, नॉन वोलेटाइल एसिड H2SO4 घोल से रिएक्शन करता है, और इसको भी लगभग कितना हीट करना होता है, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करनी है। ये क्या बनाता है, NaHSO4 बनाता है, ठीक है ना। और क्या बना लेता है, और बना लेता है एसिड, आई बात समझ, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये भी क्या है, वोलेटाइल एसिड, ठीक है। चलिए अब लास्ट टॉपिक हम लोग का बच गया, दैट इज फ्रॉम एसिड्स, फ्रॉम एसिड्स, फ्रॉम एसिड्स, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, एसिड्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटलों का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में एसिड मिल जाएगा, है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे पास नॉन मेटल है जिनको ऑक्सीडाइज करने के लिए एसिड की जरूरत पड़ती है। मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, कि नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स है ना, एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, एक जैसे कि सल्फर हो गया, सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड बाई बाई कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड टू टू गिव और टू प्रोड्यूस ना, टू गिव एसिड, एसिड लाइक H2SO4, ये एसिड वो प्रोड्यूस करता है, H2SO4। आई बस मैं एग्जाम्पल में देता हूं यहां पे, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि है ना, जब सल्फर को रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ, तो उस कंडीशन में ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 बनाता है, और वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे ये सल्फर जो है वो नॉन मेटल है, ये क्या किया, इस एसिड से रिएक्शन करके, एसिड से ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना लिया, ये एसिड बना लिया, तो सल्फर से हमने नया एसिड बना लिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एसिड को हम ऑक्सीडाइज करके, नॉन मेटलों को ऑक्सीडाइज करके भी बना सकते हैं, है ना, ये आपको याद रखना। और भी बहुत सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, उनको भी हम इसी कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एसिड, ये चार बेसिक मेथड है जिससे एसिड को प्रिपेयर किया जा सकता है ना। पहला मेथड हमने क्या पढ़ा था एसिड को प्रिपेयर करने का, तो पहला मेथड हमारे पास था एसिड को प्रिपेयर करने का, वो था फ्रॉम नॉन मेटालिक, नॉन मेटल्स, है ना, फ्रॉम एसिड, फ्रॉम नॉन मेटल। दूसरा आया हमारे पास एसिड फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड, उसके बाद से आया तीसरा हमारे पास एसिड फ्रॉम सॉल्ट, और चौथा एसिड फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ये चार मेन मेथड हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे तो उसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ओके।